पूजा के टाइम पे गया, इसने फेरों के टाइम पे गया, इसने बर्मला पे भी गया, इसने विदाई के टाइम पे गया, इसने सुहागरात पे गया, इसने हनीमून पे जाते जाते भी गया, और पहले फेरे में तो इसने सिर्फ गाया ही था, दूसरा फेरा होता था तो ये शादी। इसमें राजा लोग बिहार समस्तीपुर से, देख लीजिए यही मेरी वाइफ है। तो ये शादी कंटेंट, और इसने अपने एक शादी में से कम 300 रील्स बना चुका है। मैं ये फाइनली राजा भाई का शादी हो चुका है, और मैं जो वीडियो अभी बना रहा हूँ ये 3 महीने बाद बना रहा हूँ। Hey guys, I am Joy Deol, welcome back to the next video. Disclaimer, ये वीडियो देख के कोई भी दिल में आपका फ्रेंड्स लिए बात करने में मत लेना, please ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए है। भाई आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो बस मनोरंजन के उद्देश्य से है, हंसी मजाक के लिए है, हंसी मजाक के लिए बनाया गया है। ये वीडियो कृपया करके दिल पे मत लेना। आपका ब्लॉग में 2-3 साल से देखता आ रहा हूँ, अब बहुत ही हैंडसम लगते हो, बहुत ही क्यूट कपल लगते हो, लव यू टू, शादी मुबारक। अपना दोस्तों मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से, आइए आप सभी लोग गोल्डन प्ले बटन आया अवार्ड उसी के खुशी में खिला दीजिए देवी जी। ये लीजिए आप लोग केक खा लीजिए, हम लोग बहुत खुश हैं। मम्मी पापा आप शादी शादी का वीडियो डालते डालते इन लोगों ने गोल्डन प्ले बटन भी निकल लिया है। भैया जी के रिश्तेदार ये सोच रहे कि भैया शादी तो हमारी भी हुई है, इससे कौन सा खजाना मिल गया जो हमें आज तक नहीं मिला, कौन सा रस प्राप्त कर लिया है इसने, मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली शादी हो चुकी है, देख रहा है ये हमारी वाइफ है, मुझे लगा फूफा जी है, और अभी सात फेरा हो रहा है। आए? अबे साले हमको इतना गुस्सा आ रहा है, कोई भी सीन बढ़िया सूट नहीं हो पा रहा है। क्या बोला तूने? हाँ कोई भी सीन बढ़िया सूट नहीं हो पा रहा है, अभी तक तो बड़े एस्थेटिक शॉट डाल रहे थे। अगर खुद को बीच बीच सेकंड रोटी चलाते हुए डालने को ही ब्लॉग्स कहते हैं ना, तो फिर मैं भी ब्लॉगर ही बन जाता हूँ। और पर पहले मैं खुद भी ब्लॉगर ही था, क्योंकि इस बंदे का मिलन में व्यूअर है, बिकॉज ये अपनी शादी को रील्स बना रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं और करे जा रहे हैं। इसका आई एम श्योर कोई ना कोई रील्स आपने देखे होंगे इंस्टा पे, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए कैमरा ये नीचे रखता ही नहीं है। दोस्तों में राजा लोग बिहार समस्तीपुर से, हाँ पता है, बस भी करो भाई, देख लीजिए यही मेरी वाइफ। हेलो, अभी सात फेरा का विधि हो रहा है, ठीक है आप? हाँ। सभी लोगों नमस्ते बोलो, प्रणाम करो, नमस्ते, क्योंकि रील बनाने का टाइम नहीं मिल रहा ना दोस्तों, 3 बजे से जो है साथ। अच्छा रील बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है? अरे भाई साहब सेम चीज रील्स ब्लॉग दोनों के लिए बना रही हो, और कह रहे हो तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। पता है लोग अगर अपने शादी के बीच में ब्रेक मिलता है तो बंदा रेस्ट करता है, लेकिन ये भाई साहब सीधे 90s के गाने गाना लग जाती है। पहला इंसान होगा इस धरती पे जिसने अपने शादी के टाइम ही अपने शादी का खर्चा निकाल लिया। अरे मैया मैं पहली बार दिख रहा हूँ कि दुल्हन से ज्यादा दुल्हन ने मेकअप कर रखा है, फाउंडेशन का अलग ही फर्क दिख रहा है स्किन पे। इनका रिलेशनशिप नहीं, इनका रिलेशनशिप चल रहा है। अब तो बहू भी सासू माँ के साथ वीडियो बनाने लग गई है। बहू की बात आ ही गया है तो लेट मी इंट्रोड्यूस देवी जी। नहीं थोड़ा बहुत डर भी लेना चाहिए दुनिया से, जब कि सारे के सारे कमेंट ऐसा आ रही हो। ये तो राजा से भी ज्यादा नौटंकी करती है। इसकी शादी कब खत्म होगी? शादी में रील्स, रील्स में शादी। 36 के 36 गुण मिले हैं परिवार को पूरे। लोग शादी करके दुल्हन लाती है, भाई कंटेंट ले आई। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, हर वीडियो में गाली देता हूँ। शादी का कपड़े फटने तक ये ड्रामा नहीं रुकेगा, अब ये लोग अपने लहंगे का पूरा पैसा वसूलेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये देवी जी रोज अपने शादी का लहंगा पहन के खड़ी हो जाती है वीडियो बनाने के लिए, और ये बात तो इन्होंने खुद भी मानती है। फिर से रेडी हो गए, हम लोग का शादी अभी खत्म होने वाला है। लेकिन आप लोग कुछ भी कहो, ये दोनों है तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। उठाइए ना प्लीज, उठाइए ना थोड़ा सा उठाइए। ओके एक्सेप्टेड। आप तो कहते थे कि हम शादी के बाद तुमको गाड़ी पे चिल्लाएंगे, गोद में लेकर घूमेंगे। ये का मतलब ट्रक उठाई ली, बम्पर उठाई ली, हम इंसान है ना। हम ट्रक नहीं है। आप धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि लोग ये देवी जी को क्यों ड्रामेबाज बोल रहे हैं।
देवी जी खाने में आज क्या क्या बना है? आज खाने में सिर्फ रोटी बनी है। क्यों, सब्जी क्यों नहीं बना? क्योंकि आप तेल और प्याज लाए ही नहीं। ओहो, पूरा दिन तो वीडियो में लगे रहते हैं, चाहिए रील खा लीजिए। इस भाई ने शादी का रील्स डालते डालते इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन भी बना लिया है और हमारा देखो 0 का 0 ही है। पुश करो आप लोग, फॉलो वगैरह करो। ये राजा भाई का इंस्टाग्राम फीड, आप जितना भी आप स्वाइप करो तो ओनली शादी का रील्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। और तो और हमारे भारत में बिल गेट आए तो आए क्यों? चाय पीने के लिए? डोली की छापड़ी डोली की? बिल गेट को मिलना था आनंद अंबानी के प्री वेडिंग पे जाकर अटेंड करना था। किसी ने उनको बोल दिया होगा कि इंडिया में आई गए हो तो लोली डोली छापड़ी की चाय पी लो, क्योंकि डोली जैसा तो बिल गेट फेमस नहीं है। लोगों को तो झूठी चाय बनाने के बदले भी माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आने लग गई। यार हम लोग चाय वाले के ऊपर बस रोस्ट वीडियो बनाते रह गए, ठीक है, और चाय वाले बिल गेट के साथ कोलैब कर रहे हैं। वही डोली छापड़ी एक चाय लगा, दूध ठोक के मलाई मार के, अगर चाय नहीं अच्छा लगा तो तेरे मुंह पे मारूंगा रोक के। यार मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कोलैब असली में हुआ है या एआई का कमाल है। गजब बेइज्जती है। वो बात अलग है, 2-3 दिन लगातार डोली का थैली को सैनिटाइज किया गया होगा। चले, इन छापड़ियों की इतना डिमांड थी आउट ऑफ इंडिया, आज मुझे पता चल चुका है इन छापड़ियों के लिए दिल से रिस्पेक्ट आ रही है आप मेरे को। यार बिलगेट्स मिलकर डोली का इतना तो फायदा हो ही गया होगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट में इसको चाय का ठेका जरूर दिला देगा। चलो शुक्र है कि डोली चाय वाला से मिला, MBA चाय वाला से नहीं। एक बार अगर इच्छे मिलता तो इसके बाद बिलगेट्स को सब कुछ छोड़ के चाय बेचना पड़ता। चाय पी लो। इसी के साथ आज के लिए मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और डिसलाइक तो बनता ही नहीं है। मिलता हूँ किसी नए वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू अगेन।